नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में कोई भी इंसान दूसरे की खुशी से खुश नहीं है। जहां दोस्तों, अगर वह अपने जीवन काल में अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें दूसरों की तरक्की, दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होते हैं और हमेशा जलन की भावना से, ईर्ष्या की भावना से उन्हें नीचा गिरने का प्रयास करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके भी जीवन काल में एक ऐसी नारी है जो आपके अपने में ही है, कोई गैर नहीं है, और यह आपके ऊपर ईर्ष्या की भावना से बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। युग है तो दोस्तों, आप सभी का जिंदगी को यह बर्बाद करने पर तुली है, आपका खेल खत्म करना चाहती है। यह नई और यह आपकी अपने में ही है, आखिरी ऐसा क्यों कर रही है, क्या चाहती है? आज सच्चाई बताकर रहूंगा, इनके बारे में सारी सच्चाई एक एक करके बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज इसकी सारी पोल एक एक करके खोल देंगे। बस हम आपसे विशेष इतना निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आज का कोई वीडियो नहीं, यह आपकी जिंदगी का उम्मीद का किरण है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप सभी का जीवन बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। कभी भी आपके कार्यों में असफलताएं आपके हाथ नहीं लगेगी और ना ही आपके घर में गिरी क्लेश होगा, ना ही आपको कोई बीमारी या फिर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके सारे जाले तोड़ेंगे और सब उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आपसे हम इतना सहयोग चाहते हैं कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक वीडियो है, जिन्हें जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके ऊपर एक भयंकर काला जादू किया गया है और इस काला जादू के संकेत आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो गए हैं। किस इंसान ने किया है यह जादू और क्यों किया है? क्यों भाई इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है, आपकी जान तक लेना चाहता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से संकेत हैं जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण देंगे कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन है वह इंसान और क्यों उसने आपके ऊपर यह काला जादू किया है। जी हां दोस्तों, आप इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आज के समय में इन सब प्रक्रियाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जाता है और कुछ लोगों ने तो इस काम को अपना व्यवसाय बना लिया है कि कुछ रुपए पैसे लेकर किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देना। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रमाण भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक इसी हंसते खेलते परिवार के मुखिया पर, यानी घर के पैसा कमाने वाले सदस्य पर कोई मार्ग प्रक्रिया की गई और कुछ निश्चित समय की अवधि के अंदर अंदर एक स्वस्थ इंसान, भला चंगा इंसान बिस्तर पकड़ लेता है और कुछ ही समय में तड़प तड़प कर एक भयानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये दोस्तों, आप इन सब बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आपके जीवन में इन सभी प्रक्रियाओं के अंश मात्र भी संकेत दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, और यदि शुरुआती संकेतों पर ही आप सतर्क हो जाते हैं और कुछ ना कुछ उपचार कर लेते हैं, तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जी हां दोस्तों, लेकिन यदि इनका प्रभाव जीवन में किसी इंसान के ऊपर अत्यधिक बढ़ जाता है, फिर बात काबू से बाहर हो जाती है और फिर ऐसे में आप दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी इस तांत्रिक, कभी उस पूजा के पास जाते हैं, लेकिन आपकी शंका का समाधान हो पाना लगभग नामुमकिन होता है कि दोस्त, तांत्रिक क्रिया का एक विशेष नियम है कि जिस व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया की है, यदि वही व्यक्ति उस तांत्रिक क्रिया की काट करेगा तभी वह तांत्रिक क्रिया कटेगी। लेकिन यदि आप शुरुआती लक्षणों को पहचान कर कोई उपचार करते हैं, तांत्रिक क्रिया वापस लौटाई जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर बहुत गहराई से ध्यान देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 10 संकेत जो आपको इस बात की पहचान करा देंगे क्या आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है, कोई बंधन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद हम आपको मारण प्रक्रिया के कुछ विशेष संकेतों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। अपने अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है
जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, उनके अंदर कोई भी नशा, कोई भी प्रसन्न नहीं था। लेकिन किसी ने उनके ऊपर मारवाड़ प्रक्रिया की और परिणाम ये हुआ कि भयंकर रोग ने उन्हें कुछ ही दिनों में घेर लिया और इंसान धीरे धीरे लक्ष्य को प्राप्त हो गया। जी का दोस्तों, यह देखने में बहुत ही भयानक है और सोचकर भी आत्मा कहां पड़ती है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में भी होता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के भी शुरुआती संकेतों को यदि समझ लिया जाए और उपचार किया जाए, तुझे प्रक्रिया भी वापस की जा सकती है। तो ऐसे में आपको इन सब बातों का ध्यान होना बहुत आवश्यक है। हम यह नहीं कह रही थी, निश्चित तौर पर आपके ऊपर ले किया गया है, लेकिन यदि इसकी शुरुआती संकेत आपको अपने जीवन काल में, अपने घर परिवार में या किसी भी परिवार के सदस्यों पर दिखाई देते हैं, तो आपको सतर्क होकर कुछ उपचार कर लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्त, आप ऐसा करेंगे तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे और एक बहुत ही भयानक बड़ी विपदा को अपने घर में आने से रोक देंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि इस वीडियो में हम ना केवल संकेतों की बात करें बल्कि आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय के बारे में भी बताएंगे, और भविष्य में कोई ऐसी प्रक्रिया आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर ना कर सके, इस बात के लिए एक रक्षा कवच भी तैयार करेंगे जो आपके घर की रक्षा करेगा, साथ ही साथ आपकी भी रक्षा करेगा। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी भी रक्षा होनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कई प्रकार से तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर आपके बाल, आपके शरीर के वस्त्र प्रसाद के रूप में दी गई मिठाई, या फिर केवल आपकी छोटी सी फोटो। दोस्त, तो आप बच नहीं सकते। यदि आपके ऊपर किसी ने मार प्रक्रिया या किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करने का मन बना लिया था, आपके पास निश्चित तौर पर आएगी। आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपना सुरक्षा कवच मजबूत कर रखा है तो वह आपके पास आकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वापस चली जाएगी और जिसने यह क्रिया आपके ऊपर की है उसी नुकसान पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, को दोबारा कभी आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया करने का सोचेगा भी नहीं। तो इस वीडियो में इन सब विषयों पर गहराई से चर्चा की जा रही है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, और भविष्य के लिए भी आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का संकेत दिखाई देता है तो सतर्क हो जाना है और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन काल में आजमा लेना है, चाहे आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया हो या ना हो। आप इन उपायों को अवश्य अपना लें, इससे आप भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाएंगे और खुशहाल रह पाएंगे। दोस्तों, अब ऐसे मैं आपको एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, बहुत अध्ययनों के बाद, बहुत आकलन के बाद इस प्रकार की वीडियोस बनाए जाते हैं। इसमें हम और हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बस यह चीज हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, और हमारे द्वारा बनाए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में इन्हें प्रयोग करें। आपका जीवन सुंदर बनेगा, इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा पुण्य का घड़ा भी भर जाएगा। ये दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ, शादी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, हम आपके जीवन उपयोगी बातें, ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं, आपका ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, बदले में अब हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल परिवार को बड़ा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि यह माल प्रक्रिया या फिर तांत्रिक क्रिया क्या है और क्यों किसी के ऊपर की जाती है। तो दोस्तों, मानकर चलती है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो समाज में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं और मेहनत करने के बाद जो आपको छोटी मोटी सफलता मिलती है, आप बस उस सफलता का आनंद लेते हैं और अपने जीवन में सुखी हैं। लेकिन आप क्या पास कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आपकी कोई भी हरकत अच्छी नहीं लगती है,
आपके जीवन जीने का तरीके से भी उसे जलन होती है, और जब आपको छोटी से छोटी सफलता प्राप्त होती है तो उस इंसान के सीने पर सांप लौटना है, तो अब ऐसे में वही इंसान खुद को आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेगा। और आप ये मत समझना कि हम जो आपसे कह रही हैं ये कोई हवा हवाई बातें हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो उसे हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास होते हुए भी उसका कभी भला नहीं चाहती है, उसका बुरे से पूरा करना चाहते हैं। ये दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी किसी भी बात से लोगों को जलन हो सकती है। आप किसी से कम बोलते हैं, इस बात से भी जलन हो सकती है। आपको सम्मान देता है, इस बात से भी। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप किस तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, इन सब बातों से ही लोगों को जलन हो सकती है। जरूरी नहीं कि कोई आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लें तभी लोग आपसे जलन खाएं। पता नहीं किस छोटी से छोटी बात से भी किसी को जलन हो और वह किसी प्रकार की प्रक्रिया आपके ऊपर करवा दे। ये दोस्तों आप यकीन मानिए, इस प्रकार की प्रक्रिया करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी सी रकम लेकर ही आजकल के तांत्रिक इन क्रियाओं को किसी के ऊपर कर देते हैं कि उनका व्यापार है, तो आपको ऐसे में बहुत होशियार रहना है। अब आपको समझ में आ गया कि कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों करवा रहा है या क्यों करवाएगा। तो वैसे मैं आपको जानना आवश्यक है कि तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो ऐसी बड़ी संगीत जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है। ना केवल आपके ऊपर बल्कि आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के रूप आप इन नियमों को लगाकर जान सकते हैं कि किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर या उसके ऊपर की गई है। तो सबसे पहला संकेत आप समझिए कि कोई भी इंसान जिसका एक विशेष व्यक्तित्व है, विशेष अभाव है, लेकिन जैसे ही उसके कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसके आसपास की ऊर्जा में अचानक बड़ा बदलाव आ जाता है, और इस बड़े बदलाव की वजह से उस इंसान का स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। ये दोस्तों, जहां पहले वह इंसान धीरे धीरे बातें करता था, अब जल्दी जल्दी बातें कर सकता है। जहां पहली बार धीरे धीरे चलता था, अब वह जल्दी जल्दी जा सकता है। जहां पहले खाने में उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, अब उसे कोई चीज अच्छी लग सकती है। और हो सकता है कि वह इंसान पहले बहुत अच्छी आदत है रखता था, यानी कि योग प्राणायाम कसरत वगैरह करता था और नशे से और व्यसनों से दूर रहता था। उल्टा हो जाए और हो सकता है कि वह किसी प्रकार के नशे में लिप्त हो जाए, जुआ शराब आदि में लिप्त हो जाए, मांसाहार का सेवन शुरू कर दी, और इससे भी बुरी आदतें उसके अंदर अचानक उत्पन्न हो सकती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा का तांत्रिक विद्या का प्रभाव होता है, तो उसका पहला बड़ा संकेत की आदतों में अचानक बदलाव हुआ को नोटिस करना है। ये दोस्तों दूसरा संकेत समझिए कि जब अचानक किसी के ऊपर तृतीया की जाती है तो उठ जाओ। मैं जो बड़ा बदलाव आता है उस इंसान का शरीर इस ऊर्जा में आए बड़े बदलाव को सह नहीं पाता, और इससे परिणाम ये होता है कि उस इंसान के शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी घर कर जाती है। जैसे उसके शरीर में दर्द रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगी, और भी बड़ी बीमारियां आ सकती हैं, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, पेट में लीवर में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, मतलब कि किसी प्रकार की बीमारी उसके शरीर में घर कर जाएगी। अब इसमें आश्चर्य की बात यह रहेगी कि वह इंसान तो कहेगा कि मुझे बीमारी है, लेकिन जब उसका इलाज किया जाएगा तो उसे इलाज का उस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होगा। साथ ही साथ कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रकार का चेकअप करेगा तो कोई भी बीमारी उस चेकअप में नहीं निकलेगी, लेकिन बाहर लगातार बीमार रहेगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, इलाज कराया जाएगा तो कुछ दिनों तक तो लाभ रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही स्थिति बन जाएगी। उसकी बीमारी लगातार उसका पीछा करती रहेगी, छोड़ेगी नहीं। जी हां दोस्तों, और ऐसा केवल इसलिए होगा कि तांत्रिक क्रिया की वजह से जो भयंकर नकारात्मक ऊर्जा उस इंसान के ऊपर आई है, इसे इंसान के शरीर में सहन करने की शक्ति ना होने के कारण बदलाव आ गए हैं, जिस वजह से बीमारी उसके शरीर में सहन करने की शक्ति ना होने के कारण बदलाव आ गए हैं।
जिस वजह से बीमारी उसके शरीर में महसूस हो रही है। असल में बीमारी है नहीं, दिखा दो उसको। तीसरा संकेत, आपको ध्यान देना है कि दो प्रकार से घटित हो सकता है, या तो इंसान बहुत गुस्सैल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बातें करने वाला हो जाएगा, बात पर बहस करने वालों हो जाएगा और झगड़ा कर पर तुरंत उतारू हो जाएगा, या फिर ठीक है इसका उल्टा भी हो सकता है कि इंसान बिल्कुल गुमसुम हो जाएगा, चुपचाप रहने लगेगा, एकांत प्रिय हो जाएगा, बंद अंधेरे कमरे में रहना बहुत अधिक पसंद करेगा, जब भी कोई उसे कुछ पूछने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा तो वही इंसान हमेशा नकारात्मक जवाब भी देगा और उदास और परेशान सा दिखाई देगा। तो यह भी संकेत जो है यह उस इंसान की मानसिकता पर निर्भर करते हैं, उसकी आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति पर निर्भर करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का तंत्र प्रिया का उसके ऊपर कैसा प्रभाव है और वह कैसा बर्ताव कर रहा है। तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि हम दोस्तों अगला संकेत यह रहेगा, क्यों उस इंसान की धड़कन है और सांसें अचानक तेज हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, वह सामान्य तौर पर अपने कार्य कर रहा होगा लेकिन तभी अचानक उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, उसकी सांसें तेज हो जाएंगे और उसकी सांसों में से एक अजीब सी आवाज भी आने लगी। यदि अचानक ऐसा होता है और अचानक ही ठीक भी हो जाता है तब भी यह किसी प्रकार की मार्ग प्रक्रिया का संकेत है, तांत्रिक क्रिया का संकेत है, इसे हल्के में नहीं लेना है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान के शरीर में जो आत्मिक ऊर्जा है, जब उस आदमी को ऊर्जा को दबाया जाता है तांत्रिक क्रिया के द्वारा ताकि किसी नकारात्मक ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवेश कराया जा सके, तब उस इंसान का शरीर प्रतिक्रिया देता है यानी तेज विरोध करता है, तो उसकी सांसें तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाता है। याद रखना है कि जब भी कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसका प्रभाव एक जैसा नहीं रहता, कभी कम कभी ज्यादा और कभी आशा कभी जाता रहता है। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत आपको ध्यान से समझना है कि ऐसे इंसान को किसी एक विशेष स्थान पर ही अच्छी नींद आएगी। यदि वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर सोने की कोशिश करेगा तो उसे या तो नींद ही नहीं आएगी और यदि नींद आएगी भी तो डरावने सपने आएंगे। यह दोस्तों भयानक डरावनी सपने 25 कर जाग जाएगा, चिल्लाएगा और कुछ समय बाद दोस्तों उसका वह स्थान जहां पर उसे अच्छी नींद आती थी वहां पर भी उसे नींद आनी बंद हो जाएगी और यदि नींद आएगी भी तो डरावने सपने आएंगे, भाई अपनी आएंगे। यह भी तांत्रिक क्रिया का प्रमाण है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको एक सन की और जो सपनों से ही जुड़ा हुआ है इसका भी ध्यान देना है कि आपको यदि सपने में अपने मरे हुए पुर के पूर्वजों इस संसार में नहीं है वह दिखाई देते हैं और वह किसी बात को आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहे उस बात को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रहे हैं यह एक अलग बात है, लेकिन भी आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आपके मित्र पूर्वज आपसे बहुत पसंद है, अभी आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या आपके घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है और सपने के माध्यम से भी आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सपने में काला सांप दिखाई देगा, इसका भी यह संकेत है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। जी हां दोस्तों, आपकी आंखों के नीचे काले निशान और गड्ढे पड़ जाएंगे, तो ऐसा इसलिए होगा कि आपका शरीर उस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से आपको आंतरिक बेचैनी हमेशा बनी रहती है, शरीर आराम न कर पाने की वजह से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और कमजोरी का पहला संकेत आंखों पर ही दिखाई देता है, तो आंखों के आसपास काले घेरे बनने लगेंगे, गहरे होते चले जाएंगे और गड्ढों का रूप लेने लगेंगे, तो इससे भी आपको सतर्क हो जाना है। और अब आखिरी संकेत की, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है कि नहीं इस बात को जानने के लिए कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो कुत्ते आपको देखकर अक्सर होंगे लेकिन आपके नजदीक नहीं आएंगे, दूर से ही आपके ऊपर भूलेंगे, यदि ऐसा है तो सतर्क हो जाइए, आपके ऊपर कोई एंड तांत्रिक क्रिया की गई है और जानवर उस तांत्रिक क्रिया को महसूस कर लेते हैं, खास तौर से कुत्ते नकारात्मक ऊर्जा को बड़ी ही आसानी से भाग लेते हैं और उसी नकारात्मक ऊर्जा को देखकर कुत्ते आपके ऊपर भौंक रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीक भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से डर लग रहा है,
बहुत भयानक है, लेकिन दूर से ही बैठेंगे। जी हां दोस्तों, तो ये तो थी तांत्रिक क्रियाओं के संकेत, आप मारण प्रक्रिया जिया। दोस्तों ये बहुत जरूरी है क्योंकि तांत्रिक क्रिया से तो आप फिर भी जीवित रहेंगे, कम से कम चाहे आप अच्छा जी, लेकिन आप जीवित रहेंगे। लेकिन यदि मार्ग प्रक्रिया कर दी गई तो फिर जिंदा रहने का कोई भी कॉलम नहीं है, जिंदा रहने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, मृत्यु निश्चित है, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। तो बाद में हम इसका तोड़ भी आपको बताएंगे, ये शुरुआती संकेत रहेंगे दोस्तों। क्योंकि जब संकेतों की प्रबलता बढ़ जाती है तो मतलब नकारात्मक शक्ति के गिरफ्त में रोटी बोर के है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आपको केवल वही तांत्रिक बचा सकता है जिसने ये तांत्रिक लिया, आपके ऊपर की है या फिर कोई उससे भी ज्यादा बड़ा शक्तिशाली तांत्रिक होगा, इसकी काट कर सकता है। ये दोस्तों हमारे प्रक्रिया का एक उदाहरण आप समझिए, जो हमने अपने जीवन काल में देखा। कुछ ही साल पुरानी बात है, एक हमारे जानने वाले हैं, उनके पिताजी बहुत अच्छे सज्जन इंसान, सरकारी टीचर, बहुत अच्छी सैलरी और बहुत ही अच्छा जीवन उनका गुजर रहा था। पता नहीं किसी ने उनके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की, मारवाड़ प्रक्रिया थी। दोस्तों तू अच्छी खासी स्वस्थ इंसान को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वे तुरंत बुरी तरह से बीमार, उनके शरीर में पूरी तरह से बुखार, और बुखार किस हद तक उनके ऊपर हावी हो गया कि खाना पीना हो गया और दो ही चार दिनों में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अभी स्थिति यह थी कि बिस्तर पर ही मल मूत्र त्याग हो रहा था और खून की उल्टियां हो रही थी। जी हां दोस्तों, जब बहुत इलाज कराया और कुछ लोग समझ नहीं आया तो उनके कान खड़े हो गए और किसी ने उन्हें किसी अच्छे बड़े तांत्रिक का पता बताया तो भी उस तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने उस तांत्रिक क्रिया का कार्ड तो कर दिया, लेकिन बाद में उसने जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह दोस्तों असल में हकीकत यह थी कि उन्हें किसी ने मिठाई में एक धागा लपेटकर, यानी कि उस मिठाई में छुपाकर एक धागा खिला दिया था, और वह धागा तांत्रिक क्रिया के द्वारा अभिमंत्रित था और नकारात्मक ऊर्जा का, यानी मरण प्रक्रिया का प्रमाण था। उस धागे में 21 गाने लगी हुई थी। दोस्तों बड़ी चीज काट है, 21 दिनों के लिए थी। जैसे ही 21 दिन समाप्त होते हैं उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। यहां दोस्तों अब आप समझिए कि कितना भयानक हो सकता है यह मार्ग प्रक्रिया का तंत्र। ऐसे में जिस इंसान की किस्मत अच्छी होती है, तूने कोई बड़ा गुरु मिल जाता है, बड़ा तांत्रिक मिल जाता जो काट कर पाता है और कुछ विचार है, तो भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिन्हें तो पता ही नहीं चल पाता कि उनके ऊपर किसी प्रकार की मांग प्रक्रिया की गई है, और ऐसी अनजान अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको यह बात पता चली गई कि जब भी किसी इंसान के ऊपर मार प्रक्रिया कर दी जाती है तो उसकी एक समय अवधि भी तय की जाती है। लेकिन दोस्त यह कोई ऐसी वैसी प्रक्रिया नहीं है, 21 दिन का, 31 दिन का, या फिर केवल और केवल 7 दिनों का बीमा किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अब आपको बताएं कि हमारे प्रक्रिया काम कैसे करती है। कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो कई नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे भूत पिशाच निशाचर जिन बगैर आएगा, और जब भी तांत्रिक शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो वे उनके काबू में रहती है, और इन नकारात्मक शक्तियों, या इन्हें नीचे शक्तियां भी कह सकते हैं, इन शक्तियों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि यह किसी की भी जान किसी भी समय ले सकती हैं। यदि इन्हें मंत्रों के द्वारा किसी के ऊपर साथ दिया जाए, ताकि हाँ दोस्तों अपने मन से यह किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा इन्हें किसी के ऊपर साथ दिया है तो वह किसी की भी जान ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो जब किसी के ऊपर साथ दिया जाए, ताकि हाँ दोस्तों अपने मन से यह किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा इन्हें किसी के ऊपर साथ दिया है तो वह किसी की भी जान ले सकती है। जी हां दोस्तों, तुझे किसी के ऊपर मारण किया जाता है तो उस इंसान का नाम, गोत्र, राशि, पता और बहुत सारी जानकारी लेकर यह प्रक्रिया पूरी की जाती है, और यह भयंकर नकारात्मक ऊर्जा, या यूं कहें कि भूत प्रेत निशाचर आदि को उस इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, फिर उस इंसान को कोई बचा नहीं सकता है। यह महाशक्तियां नकारात्मक नहीं, शक्तियां उस इंसान को
अपने साथ लेकर ही जाती हैं दोस्तों। और जब यह नकारात्मक शक्तियां किसी इंसान की जान लेती है तो वह किसी ना किसी बहाने से ही लेती है। सीधे तौर पर किसी को मार पाना इनके बस में नहीं होता। तो यह शक्तियां किसी इंसान के ऊपर किसी प्रकार की भयानक बीमारी को छोड़ देती हैं या फिर कोई भयानक एक्सीडेंट वगैरह करा देती है या फिर किसी ऐसे विवाद में उलझा देती है कि जहां उसकी मृत्यु होना निश्चित होता है, जिसमें किसी इंसान को भयंकर बीमारी दे देना आम बात है, आम तौर पर यही देखा जाता है। तो अब किसी इंसान के ऊपर मार्ग प्रक्रिया की गई है, इसे जानने का क्या तरीका है? इस बात को जाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यह है कि उस इंसान की आदतों को समझा जाए। यदि किसी इंसान की आंखों में अचानक बहुत बड़ा फेरबदल आ जाए और भी आदतें पूर्ण रूप से नकारात्मक हो जाएं, तो यह इस बात का संकेत है कि मारण प्रक्रिया हो सकती है और यह फेरबदल आदतों में जो होगा वह कोई सामान्य फेरबदल नहीं होगा। यानी शुद्ध शाकाहारी इंसान मांस खा सकता है और बहुत अधिक मात्रा में खा सकता है जिसने कभी शराब नहीं पी। वह शराब पी सकता है और बहुत अधिक मात्रा में भी सकता है, जुआ खेल सकता है या फिर और भी बुरी और नीच हरकतों में लिप्त हो सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अचानक उसके शरीर में किसी बड़ी और भयंकर बीमारी के संकेत दिखाई देने लगेंगे। ये दोस्तों, उस इंसान का शरीर और चेहरा काला पड़ने लगेगा और उसकी आवाज दब नहीं लगेगी। जहां दोस्तों वह कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है उसकी आवाज ठीक तरह से, बाहर नहीं निकले। और इसी वजह से वह इंसान लोगों से कम बात करने लगेगा। जी हां दोस्तों, अब मारवाड़ प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इसके संकेत बहुत जल्दी जल्दी ओवर कर बाहर आने लगते हैं। तो यह संकेत दिखाई तो बहुत तेजी से देती है, लेकिन इंसान को सोचने समझने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है। तो अब आपको ऐसे में सतर्क रहना है। और कोई स्वस्थ इंसान जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, अचानक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि वह बिस्तर पकड़ लेता है और डॉक्टर भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं और उसका शरीर लगातार कमजोर होता चला जा रहा है, काला चला जा रहा है, खाना पीना सब छोड़ चुका है, तो आप समझ जाइए कि हमारे वार्ड प्रक्रिया हो सकती है। और मारण प्रक्रिया को एक तरह से पता लगा सकते हैं कि वह इंसान जिसके ऊपर आपको शक है कि मारवाड़ प्रक्रिया की गई है, उस इंसान के बिस्तर के नीचे आप एक कांच के गिलास में जल भरकर उसमें नमक मिलाकर उस इंसान के बिस्तर के नीचे रात भर के लिए डीजे, दूसरे दिन भर चल, थोड़ा सा काला दिखाई देगा और बहुत अधिक गंदा और मटमैला हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि नमक के अंदर और जल के अंदर नकारात्मक शक्तियों को सूखने की बहुत अधिक क्षमता होती है। तो उस इंसान के ऊपर जो नकारात्मक शक्ति हावी है उसका प्रभाव जल पर होगा, नमक पर होगा और वह काला पड़ जाएगा और पानी भी एकदम गंदा और मटमैला हो जाएगा। और जब स्थिति बहुत बड़ी होगी तो उस पानी में से बदबू भी आ सकती है। यदि ऐसा है आप समझ जाइए, सतर्क हो जाइए, मारण प्रक्रिया हो चुकी है, इसका कोई बड़ा इलाज करवाइए वरना इंसान बच पाना नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, यदि मारण प्रक्रिया की गई है तो उसका निवारण तो कोई बड़ा तांत्रिक ही कर सकता है, वह छोटे मोटे उपायों से नहीं किया जा सकता है। और उसमें भी यदि इंसान की किस्मत अच्छी रही तो क्योंकि कौन सी मारवाड़ प्रक्रिया की गई है, इसको पता लगाने में इतना समय गुजर जाएगा कि उसकी खाट ढूंढना और उसे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका समय ही नहीं मिलेगा। बात करती हैं कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है जो आपके ऊपर बंधन लगाएगी और आपकी उन्नति तरक्की को रोकेगी, आपके घर में विनाश लेकर आई, कि इस नकारात्मक शक्ति से आपको छुटकारा कैसे दिलाया जाए, यह बहुत आवश्यक है। तो आपको इसके लिए करना यह होगा कि छोटे छोटे कई कार्य अपने जीवन में जोड़ने होंगे और कुछ समय तक इन कार्यों को करते रहना होगा। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने घर के चारों कोनों में काले कपड़े में लपेटकर थोड़ा सा सेंधा नमक और फिटकरी रखें। जी हां दोस्तों, नमक की पोटलिया को चारों को रखना है और इन्हें हवा में लटकाना है या दोस्तों कोई देख ना पाए, इस बात का ख्याल रखना है। और हर 7 दिनों में यह नमक और फिटकरी आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करनी है। इसी प्रकार घर के चारों कोनों में
रुद्राक्ष की माला अभी आपको टांगने है। जी हां दोस्तों, रुद्राक्ष की माला है, आपको शुद्ध करके अभिमंत्रित कर लेनी है। शुद्ध करने के लिए नए आपको गाय के दूध में और उसके बाद गंगा जल से धोने के बाद, साधारण जल्द से धोने के बाद शुद्ध हो जाती है। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करने के बाद, हवन करने के बाद माला रुद्राक्ष की अभिमंत्रित हो जा जागृत हो जाती है। रुद्राक्ष भी इसी प्रकार अभिमंत्रित शुद्ध और जागृति किए जाते हैं। तो आपको रुद्राक्ष की माला ए अभिमंत्रित करने के बाद, जागृत करने के बाद अपने घर के चारों कोनों में टांग देनी है या फिर किसी अच्छे स्थान पर रख देनी है और याद रखना है कि आपको रुद्राक्ष की माला है। गोमुख में ही रखनी है, खुली में नहीं रखें। जी हां दोस्तों, कोई भी माल आपको लेने नहीं रख सकते। यदि वह अभिमंत्रित हो चुकी है तो आपको यह कार्य करना है। इससे आपके घर में एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। घर के दरवाजे पर रोज शाम के समय गाय के घी का एक दीपक जलाना है। दीपक पीतल का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है, अन्य का दीपक नहीं जलाना है। जी हां दोस्तों, के साथ ही साथ अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का और गोमूत्र का छिड़काव करना है और घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान में आपको लोबान और भीमसेनी कपूर चलाना है। शाम के समय यह प्रक्रिया आपको करनी है। इतना आपको करने से आपके घर में एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और हां दोस्तों, एक छोटी सी बात और कि जब आपके घर में पहुंचा लग रहा हो तो उस पहुंचा वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक अवश्य, घर के सभी सदस्य इस पानी से स्नान कर रहे हैं, उस पानी में भी थोड़ा सा सेंधा नमक अवश्य मिल पाए। ऐसा करने से आपके घर में एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। कोई भी नकारात्मक हो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और यदि प्रवेश कर चुकी है तो वह धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। जी हां दोस्तों, अब ऐसी मैं आपको अपने ऊपर रक्षा कवच बनाने के लिए क्या करना है तो आपको ध्यान से सुनना है, आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका रक्षा कवच हट जाएगा। हर का रक्षा कवच केवल घर तक ही सीमित है, तो आपको अपने ऊपर भी रक्षा कवच बनाना है। तो सामान्य तौर पर तो आप लोग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकल सकते हैं, इससे भी आपकी सुरक्षा होगी। लेकिन यदि कोई बड़ी प्रक्रिया आपके ऊपर कर रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा उपाय करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है और उसे चार टुकड़ों में काट लेना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से समझना है कि उस नींबू को आपको चार बराबर कलियों में काट लेना और हर एक कटे हुए भाग में एक लोग गाड़ देनी है और उसके बाद उस नींबू को अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है। जवानी मुंह सूख जाए तो उस नींबू की एक छोटी सी पोटली बनानी है, चारों तो खड़े होंगे जिसमें लौंग लगी होगी, और उसे आप काले रंग के कपड़े की एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पास रख लेंगे, आपका रक्षा कवच होगा। इसे आप अपने पास हर वक्त रखेंगे, इससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी वह हट जाएगी जैसे ही उसे अपने पास रखेंगे। दिनों के अंदर आप बताओ महसूस करेंगे, हम गारंटी देते हैं इस बात की। अब कुछ छोटे छोटे पूजा साधना आए हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि हनुमान जी का चालीसा पाठ और हनुमान रक्षा कवच आपको अवश्य करना चाहिए। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, लेकिन महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ और श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ अवश्य कर सकती हैं। आपको रोज यह करना होगा। ऐसा करने से भी आपके ऊपर एक सुरक्षा घेरा तैयार होगा और नकारात्मक भूल जाएं आपके ऊपर से हटने लगेंगे। जब भी आपको दिन के समय या जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आप ऐसे फंस चुकी हैं, कोई रास्ता आपको समझ में ना आए, घबराहट परेशानी का एहसास हो, तो आपके लिए एक मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है, मां भद्रकाली का मंत्र है। इस मंत्र को चाहे कहीं भी हो, किसी की अवस्था में हो जा करना शुरू कर देना है। मात्र 21 से जांच करने से ही, 21 बार इस मंत्र को सच्चे भाव के साथ बोलने से ही आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएंगे, यह बताएं हट नहीं लगेंगे। मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम क्रीम। दोस्तों ध्यान से सुने ओम क्रीम, और यदि महिला है तो तीनों में। जी हां दोस्तों, जब भी कोई पुरुष मंत्र का उच्चारण करता है तो वह पहले आता है और महिला उच्चारण करती है तो उसके बाद आता है।
यह मां भद्रकाली का बीज मंत्र है। इस मंत्र में बहुत प्रचंड शक्ति समाहित है। जब आप इस मंत्र को 11 बार उच्चारण करेंगे, उतनी से ही आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगेगा। जी हां दोस्तों, को यह तो थे उपाय और संकेत आप इस वीडियो में बताई गई। हर एक बात को ध्यान से समझो और अपने जीवन में इन नियमों को लगाने के बाद जो आपको समझ में आए तो आप इन उपायों को आजमाएं। और हम तो आपसे यह कहेंगे कि आपके ऊपर चाय संचित हो या ना हो, आप इन उपायों को फिर भी कर लें, कोई इसमें बुराई नहीं है। छोटी मोटी भी नकारात्मक शक्तियां होंगी तो बहुत दूर हो जाएगा। दोस्तों, बस आपको इन उपायों को सच्चे भाव के साथ करना है। अब यदि वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, कोई बात बता नहीं बाकी रह गई है, कुछ आपके मन में विचार उठ रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। मां भद्रकाली आपकी रक्षा करें, आपको सीधा आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन सुंदर और सफल बनेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।